नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो TTML पर दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो दोस्तों पिछले वाली प्राइस पर क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो उतार चढ़ाव आज के मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है, साथ ही साथ अभी के टाइम सबसे बड़ी जो गलती है शेयर होल्डर्स दोस्तों अभी के टाइम करते हुए जो नज़र आ रहे हैं, तो उसी की वजह से मार्केट में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम दोस्तों किस गिरावट की मैं बात करने वाला हूँ और अभी के टाइम क्या बेसिक अपडेट यहाँ पर दोस्तों TTML में देखने को मिलने वाला है और इसके टारगेट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस के ओपनिंग की अगर बात की जाए तो 88 रुपये के साथ आज की ओपनिंग नजर आई थी, और 89 रुपये तक दोस्तों अगर देखा जाए तो बड़ा जंप यहाँ पर देखने को नजर आया था, और 87 रुपये 5 पैसे तक आज के मार्केट पर गिरावट नजर आई। पर कल वाली सेम प्राइस आज फिर से क्लोजिंग देखने को नजर आई है। अब लास्ट पिछली 5 ट्रेड की अगर बात की जाए तो लास्ट पिछली 5 ट्रेड में दोस्तों जो है लगातार जो तेजी है वो फिर से इंक्रीज होती हुई देखने को मिलने वाली है 1.75% की। पर इस बीच उतार चढ़ाव जो है वो भी कंपनी में आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार कंपनी को Q2 के अंदर लॉस का जो सामना यहाँ पे करना पड़ा है वो यहाँ पे देखने को मिला कि 302 करोड़ का कंपनी को सीधे सीधे पिछले टाइम दोस्तों Q2 के अंदर लॉस का सामना हुआ था। पर इस बीच मैं बताऊँ कि दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है वो यहाँ पे बढ़ा नहीं है। दोस्तों कंपनी का कर्ज जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2021 के मुकाबले 2023 में जो है कंपनी का कर्ज घटता हुआ नजर आया है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम कंपनी का जो कर्ज था 2021 के अंदर जो कंपनी का कर्ज नजर आ रहा था वो 30,000 करोड़ का नजर आ रहा था, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो यहाँ पे 19,916 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसके मुकाबले कंपनी का कर्ज कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी अच्छी जो रिकवरी है वो बदलाव देखने को नजर आ रहा है। वो दोस्तों जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो ROC है उसमें भी काफ़ी अच्छी जो सुधार है वो पिछले टाइम से देखने को नजर आई है। पर अभी के टाइम देखा जाए तो ROE का जो आंकड़ा नेगेटिव था वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, जिसे आंकड़ा अभी के टाइम देखने को नेगेटिव नजर नहीं आने वाला। अब बात की जाए दोस्तों गिरावट की, तो गिरावट में मैंने आप लोग को पहले कल आप लोग को बताया था, आप लोग कल के एनालिसिस अगर आपने नहीं देखे दोस्तों चैनल पर जाकर एनालिसिस वॉच कर सकते हैं। मैंने आप लोग को ये बताया था कि कल मार्केट में बम्प और डंप का खेल हो सकता है और मार्केट पर जो है गिरावट आप लोग को देखने को नजर आ सकती है, वो भी क्लोजिंग टाइम के ऊपर। तो आज भी देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में जो क्लोजिंग के वक्त जो यहाँ पे गिरावट है यहाँ पे देखने को नजर आई है। कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसमें दोस्तों देखा जाए तो डगमगाट जो है लास्ट एंड क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली है, और इसके पीछे की बड़ी वजह जो है यहाँ पे रहने वाली ऑपरेटर्स का जो गेम है वो एक बार फिर से कंपनी में देखने को नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगातार मार्केट यहाँ पे रिकवर होता हुआ भी देखने को नजर आया, लगातार जो है यहाँ पे तेज़ी इंक्रीज यहाँ पे हुई है। अब लगातार जिस प्रकार की गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आई थी उसमें तो रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। बेसिस सेंसेक्स की बात की जाए या निफ्टी 50 की बात की जाए दोनों सेगमेंट पर अभी टाइम रिकवरी रही है। पर उसके विपरीत अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जो है Q2 के मुकाबले जो देखने को डेटा नजर आया तो वर्तमान में जो है रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा सुधार दोस्तों Q2 के अंदर देखने को नजर आया था। वर्तमान में अच्छी खासी तेज़ी रिकवर कर सकती है। नेट इनकम पर दोस्तों काफ़ी बड़ी की लॉस था वो कंपनी को देखने को नजर आया, 310 करोड़ का कंपनी को सीधे लॉस हुआ है। डेल्यू TPS में जो है गिरावट फिर से देखने को नजर आया, 1.69 की जो डेल्यू TPS है वो गिरावट पर देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो लगभग दोस्तों 107 अंकों की जो है लगभग नेट प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी देखने को नजर आई थी। तो फिलहाल दोस्तों अगर कंपनी के फ्यूचर की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो फ्यूचर आगे चलकर काफ़ी ब्राइट हो सकता है, क्योंकि लगातार कंपनी हर साल अपना जो डेप्थ है कर्ज जो है वो यहाँ पे कर्ज कम करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल अगर कंपनी के आज के कारोबार की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ तो लगभग 20 लाख के आसपास के शेयर का जो कारोबार है आज के मार्केट पर देखने को मिला, और उसके पीछे अगर देखा जाए तो इस गलती की मैं बात कर रहा था, इसी गलती की मैं बात बार जो है बात यहाँ पे कर रहा था। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो 11,26,257 शेयर आज के मार्केट पर सेलिंग ऑर्डर रहा है, और बाइंग क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम जो है बाइंग क्वांटिटी आज के मार्केट पर देखने को मिली है। पर प्री ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो उसमें जो बाइंग क्वांटिटी है दोस्तों 1,10,163 शेयर, और सेलिंग की बात की जाए तो 3,37,427 शेयर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी की गलती को मैं बार बार यहाँ पे रेकमेंड कर रहा था कि दोस्तों इस गलती को आप बार बार ना जाए तो कंपनी जो है अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। लगातार देखा जाए तो पिछले 2 से 3 साल में कंपनी ने जो है रिकवरी अच्छी खासी यहाँ पे रिकवर देखने को नजर आई है, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज था 30,000 से अगर देखा जाए तो वर्तमान में 19,000 करोड़ के ऊपर आ चुका है। तो कंपनी ने कर्ज जो है वो काफ़ी कम किया है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। तो जितना हो सके दोस्तों कंपनी का अगला जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ सकता है, और कंपनी में प्रमोटर्स के जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग देखने को नजर आती है, जो लगभग देखा जाए तो 75% के आसपास की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के यहाँ पर रहने वाली है। और इसी आंकड़े को देखते अगर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों कंपनी में आगे चलकर जो है तेज़ी काफ़ी बढ़ सकती है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी आप लोग को जो है दोस्तों मल्टी वगैरह एक बार फिर से बना सकती है, अपने सेगमेंट की एक मजबूत कंपनी यहाँ पे TTML रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर रहना है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।